नमस्कार, आइए सात पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले देंगे हम आपको एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस हाथ के बारे में। इस हाथ की सबसे पहले कनिष्ठा उंगली, जो कि सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच गई है, अपने आप में बेहतर उंगली। उंगली पर किसी प्रकार का कट, कोई प्रकार का निशान नहीं है, लेकिन उंगली के अंदर एक समस्या है कि ये जो पर्वत है ये यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन गया है। जब इस प्रकार का उंगली हो, उंगली की लंबाई बहुत बेहतर हो लेकिन डाउन चली जाए, तो व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस की स्थिति थोड़ी स्लो हो जाती है। उसके द्वारा लिए गए डिसीजंस थोड़ा देर से असर दिखाते हैं, लेकिन असर निश्चित होता है। बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली सीधी, सरल और स्पष्ट तौर पर खड़ी हुई है। ना इसमें कोई झुकाव है, ना कोई इसमें कट है। ये स्थिति अपने आप में व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान के साथ साथ अहंकार की स्थिति को भी दर्शा रही है। साथ ही साथ आपकी बृहस्पति की उंगली की भी लंबाई इसके लगभग बराबर है और वो सीधी खड़ी हुई है। व्यक्ति को जीवन में बहुत हद तक मुझको देखने में लगता है कि व्यक्ति का अहंकार या उसकी अडिगता उसके जीवन में उसको सक्सेस को लेकर प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए अगर आपके स्वभाव में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उनको रिमूव कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। क्योंकि सूर्य की उंगली भी बहुत अच्छी है और बृहस्पति की उंगली धन कारक की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी व्यक्ति जीवन में पैसा भी कमाएगा, नेम फेम भी कमाएगा। ये स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनि की उंगली को देखिए, बिल्कुल सीधी सरल स्पष्ट उंगली। उंगली में कोई तिरछापन टेढ़ापन नहीं, कोई दाग कोई धब्बा नहीं, यानी व्यक्ति कर्मठ है, जुझारू है, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए बहुत हद तक अच्छी पोजिशन को प्राप्त करेगा। बुध का पर्वत सम पर्वत, ना कोई फूला हुआ ना ज़्यादा खराब, और इस पर इस प्रकार की हल्की हल्की उठती हुई ये रेखाएँ जो कि जीवन में दर्शाती हैं, व्यक्ति अपने काम को करते हुए पैसा भी कमाएगा, संतान का सुख सहयोग भी उसको मिलेगा, संतान भी होगी। ये सब चीज़ें यहाँ बुध पर्वत ने दर्शाई हैं। सूर्य पर्वत पर कोई खासी रेखा मुझे अभी फिलहाल में नहीं दिखाई दी है। कुछ इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से जाकर जुड़ रही हैं, इसको काट भी रही हैं, यानी ऐसे लोग जीवन में सरकारी कार्यकलापों से जुड़कर जीवन यापन नहीं कर सकते। इनको कोई सरकारी टेंडर का से भी फायदा नहीं मिलेगा, नॉर्मल तौर पर अपना जीवन यापन करेंगे। शनि रेखा धन रेखा, भाग्य रेखा धन की रेखा। अब जब एक भाग्य रेखा नीचे से उदय हो और बाद में ये इस प्रकार की शनि रेखा यहाँ दिखाई दे जाए, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। जीवन में ये रेखा जब उम्र के साथ साथ इतनी गाढ़ी होती चली जाएंगी, जितनी लंबी प्रस्तार में प्रस्ताव इनका होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा ये बेहतर होगा धन के लिए। साथ ही साथ शनि का पर्वत यहाँ सम पर्वत है, ये व्यापारिक उद्देश्य से बहुत अच्छा है। जीवन में व्यक्ति काम करते हुए अच्छा काम करेगा। और यहाँ से एक रेखा ने फिर से इस प्रकार का इंडिकेशन दिया है। ये जब हमने आपका हाथ देखा था, यानी इनके फादर का हाथ देखा था, वहाँ से भी इस प्रकार के इंडिकेशन थे। तो इस प्रकार के इंडिकेशन एक चीज़ को भी शो करते हैं, व्यक्ति किसी न किसी तरीके के पैतृक काम में भी जा सकता है। यानी कुछ समय तक नौकरी करेगा, उसके बाद अपने पैतृक काम या पिता के काम में सहयोग देना शुरू कर देगा। बृहस्पति पर्वत सम पर्वत है, इस पर कोई अभी फिलहाल के तौर पर छोटी मोटी रेखाएं खड़ी दिखाई दे रही हैं। सम पर्वत का होना अच्छा है। दोनों ही हाथों में एक चीज़ हमें साफ दिखाई दी है कि पर्वत सम है, उंगलियों की लंबाई अच्छी है। यही अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है कि जिसको पर्वत सम और उंगली मिल जाए, जीवन बहुत बढ़िया बीतेगा। बात आती है हृदय रेखा की। हृदय रेखा थोड़ी सी बलवती होकर चली है और हृदय रेखा अभी फिलहाल में यहाँ तक है। बली हृदय रेखा व्यक्ति के जीवन में जद्दोजहद देती हैं, स्ट्रगल कराती हैं, साथ ही साथ विवाह में भी थोड़ा देरी करा सकती हैं। उसके साथ साथ ये स्थिति हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद के साथ साथ वाइफ की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। ये आई मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पूर्ण तरीके से बहुत अच्छी प्रबल चंद्र क्षेत्र तक प्रस्तार करती हुई, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर अपना कार्य क्षेत्र को अपनाएगा, ट्रैवलिंग्स करेगा, ट्रैवलिंग्स करके अपने यात्राएं करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ बहुत अच्छी एक रेखा मुझको यहाँ दिखाई दी है, ये देखिए इसका जुड़ाव यहाँ हो गया है। ये एक अच्छी बौद्धिक क्षमता वाली व्यापारी की रेखा है, यानी भले ही अभी वर्तमान की स्थिति में ये नौकरी पे हों, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है व्यापार करने का। साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र से निकलकर एक रेखा फिर से इस तरफ घुस गई है, यानी व्यक्ति घर से दूर स्थान पर जाकर कार्य करेगा, घर से दूर जाकर कार्य करेगा, ट्रैवलिंग्स करेगा, यात्राएं करेगा,
साथ ही साथ बिजनेस में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र क्षेत्र से निकलकर सीधी पहुंच गई है। साथ ही साथ एक रेखा आयु क्षेत्र से निकलकर भी, ये भी यहाँ पर सभी चीज़ों का विस्तार चंद्र क्षेत्र से होता हुआ बहुत ज़्यादा है। यानी जीवन में आने वाले समय में टूर ट्रैवल्स, स्थान परिवर्तन, यात्राएं करके जीवन में पैसा कमाने के बड़े अच्छे अवसर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए, ये आपका भाग्य रेखा की तरफ इस प्रकार के उठते हुए त्रिभुज व्यक्ति को पैतृक रूप से अच्छा सपोर्ट देते हैं। यानी व्यक्ति को पिता पक्ष से सहयोग मिलेगा, पिता पक्ष से पैसा मिलेगा, संभवतः बाद में पिता के ही काम में इन्वॉल्व होकर व्यक्ति काम कर सकता है, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा पर अभी फिलहाल की स्थिति में कोई बहुत बड़ा कट या परेशानी नहीं दिख रही है। अभी तो इनके जीवन की एक तरीके से शुरुआत है। उम्र है इनकी 24 साल। तो 24वें वर्ष तक जो भाग्य रेखा है वो अपने आप में यहाँ से यहाँ तक सीधी जा रही, थोड़ी हल्की चल रही है, तो हो सकता है प्रोग्रेस हल्की हो, लेकिन आगामी समय में ये हृदय भाग्य रेखा पूरी सरल और स्पष्ट जा रही है। और यहाँ से भी एक रेखा का सपोर्ट इसको मिल रहा है, जिसका मतलब है आने वाले समय में व्यक्ति दो या तीन माध्यमों से जीवन में पैसा कमाएगा। जीवन के लगभग लगभग मैं समझता हूँ ये 35 वर्ष के बाद रेखा ज़्यादा अच्छी जा रही है, और ये मल्टीपल सोर्स का इनकम दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ जीवन में 42 वर्ष के बाद से लेकर 55-57वें वर्ष तक व्यक्ति जीवन में अच्छे खासे पैसे कमाएगा, मल्टीपल सोर्स से पैसे कमाएगा। आयु रेखा की भी स्थिति अपने आप में बहुत अच्छी है, प्रबल आयु रेखा है, किसी प्रकार कोई खराबी नहीं है। वर्तमान में भी आयु 70 वर्ष से ऊपर ही बनी हुई है। इस हाथ के अंदर अगर देखें तो अभी कोई इतनी रेखाएं बनी हुई नहीं है। एक रेखा मंगल क्षेत्र से निकली है, ये जा रही है आपके राहु रेखा का रूप लेते हुए, आपके कम से कम जीवन में जाके 54वें वर्ष पे काट रही है। तो ये अपने आप में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन या आपका प्रोफेशन को चेंज करा देगी, बाकी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखती नहीं है। अब इनकी जो ये हाथ है, हाथ की रेखाओं के बारे में तो मैंने यहाँ बताई है, मैं थोड़ा उनकी कुंडली पे भी जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनके सवालों का जवाब कुंडली से देना चाहूँगा। देखिए, 8 अप्रैल 1995 में आप पैदा हुए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि की आपकी कुंडली है, साथ ही साथ वायु तत्व का लगन है, वायु तत्व की राशि है। व्यक्ति के विचारों में बहुत आवागमन है, विचारों का आदान प्रदान होना, विचार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना और योजना बनाने में व्यक्ति सफल है। लेकिन 29 डिग्री 29 मिनट का चंद्रमा ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अपने कार्य को करने से पहले किसी बड़े की सलाह जरूरी है, नहीं तो आप मात खा सकते हैं। वाणी स्थान पर नीच का चंद्रमा, नीच का मंगल हो और चंद्रमा 29 डिग्री का हो, पैसे को संभाल के रखो, जीवन में पैसे की अहमियत समझो, वाणी पर कंट्रोल रखो, स्वभाव में कंट्रोल रखो, वाणी में अहंकार ना झलके इस प्रकार की वाणी का आप इस्तेमाल करो। साथ ही साथ आपको देखिए बुध की महादशा चल रही है। बुध कौन है? लग्नेश है, दशम चतुर्थेश है, दशम भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। जब तृतीयेश के साथ दशम का संबंध, लग्न का संबंध बन जाए और दशम में बैठे, जीवन में व्यक्ति स्थान परिवर्तन करके पैसा कमाएगा। साथ ही साथ लग्नेश का दशम में बैठना एक व्यापारिक संदेश भी यहाँ देता है। अब मैं बात करता हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि आपने वेब डिजाइनिंग किया है, ग्रेजुएट भी हैं, अच्छी जॉब कब? अभी चल रही है बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा। बुध लग्न कुंडली में दशम में, दशम स्थान कर्म स्थान यानी कर्म होगा। दशमांश कुंडली में बुध अष्टम भाव में है। महादशा में अंतरदशा भी बुध की चल रही है। इसको कहते हैं महादशा अंतरदशा में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना। कब तक नहीं मिलेगा? अप्रैल 2021 तक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। नौकरी लगेंगी, नौकरी छूटेंगी, नौकरी में मजा नहीं आएगा, मन अस्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही आपको बुध में केतु आएगी 21 अप्रैल से, और फिर आएगी बुध में शुक्र, वो आपके जीवन में एक ऐसा समय होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रगति निश्चित तौर पर करेंगे। एक चीज़ और मैंने बुध की देखी है, नवांश कुंडली में बुध पंचम भाव में, पंचम का मालिक है, एकादश में बैठा है, पंचम को वापस देखता है। यहाँ एक रिलेशन भी दिखाई देता है मुझको, जिसको मैं कहता हूँ लव रिलेशन, वो मेरे हाथ मुझे आपके हाथ में भी दिखाई दिया। ये जो रेखा है जो चंद्र पर्वत से निकलकर शुक्र क्षेत्र में घुस रही है, ये अपने आप में रिलेशनशिप दिखाती है, बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के लाइफ में लव रिलेशन चलेंगे, और यहाँ एक प्रेम विवाह होने के भी संकेत हैं। यदि विवाह नहीं हुआ है तो अप्रैल 22 से फरवरी 2025 के बीच में इसमें विवाह के बहुत अच्छे योग संकेत दिख रहे हैं। तो अभी 2 अप्रैल 2021 तक तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, उसके बाद प्रोफेशनली आपके लिए
काफ़ी बेहतर होगा। अपने दिमाग पर संयम रखिए, उथल पुथल कम रखिए, विचारों में आवागमन कम रखिए, स्थिरता रखिए। जितना ज़्यादा आप स्थिर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। वाणी पर कंट्रोल रखो, अहंकार से बचो, एक तरफ अपना टारगेट रखो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लग्न चंद्रमा बहुत हद तक पावरफुल है। बुध की दशा भले ही आपको परेशान कर रही है, लेकिन निश्चित आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखें शुक्र शनि का एक राजयोग, शुक्र अष्टमेश है, शनि पंचमेश है। जैसा मैंने आपको बताया था पैतृक संपत्ति का लाभ, तो वो मुझको यहाँ भी दिख रहा है। नवांश को मैं एक बार जरूर देखना चाहूँगा। नवांश के लग्न में सूर्य, चौथे घर में शनि और द्वादश में मंगल। ये स्थिति हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद देने की है, चाहे मैरिज लव हो चाहे अरेंज हो, इनकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन प्रोफेशनली देखें तो स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेंगे। मेरे हिसाब से अप्रैल 22 से फरवरी 25 इनके जीवन का बहुत अच्छा समय होगा, जिसमें जो चीज़ ये चाह रहे हैं वो इनको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ये बिजनेस की लाइन में भी जाना चाहें तो अप्रैल 22 के बाद ये बिजनेस लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। पिता के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या अपना स्वयं का बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ रहने वाला है। बृहस्पति दशमेश होके छठे घर में पहुँचे हैं और इसको देख रहे हैं, ये नौकरी के साथ साथ किसी चीज़ को सिखाना, कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट में काम करना, एजुकेशन देना, एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना भी इनके लिए बहुत अच्छा एक काम है। अगर इस प्रकार के क्षेत्र में जाएंगे तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने आप में स्थिति तो बहुत हद तक बेहतर बनी हुई है, थोड़ा सा इनको अपने विचारों में आवागमन से रुकना है। देखिए बुध की दशा बहुत लंबी है, मैं आपको दे रहा हूँ एक बहुत अच्छा मंत्र, आपको एक मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जप करनी है भगवान विष्णु की पूजा। तो मंत्र अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपो, मानसिक तौर पर जपो चाहे माला से जपो। मंत्र बहुत सीधा सरल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को, इस चमत्कारिक मंत्र को आप लगातार जपते रहो, आपके लिए बहुत बढ़िया। साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेडिटेशन के लिए समय निकालो, नहीं है तो अपने आप में स्थिरता लाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ एक पन्ना रतन पहनने की सलाह मैं भी आपको जरूर दूंगा, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली में आप भी एक पन्ना पहने, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, आपकी बुद्धि के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी स्थिरता के लिए, सब तौर पे बहुत अच्छा ये रहने वाला है। तो लगभग पूरे हाथ और कुंडली का एनालिसिस मैंने यहाँ किया है और आपके सवालों के जवाब भी मैंने आपको दिए हैं, फ्यूचर के हिसाब से मैंने आपको बताया है। नमस्कार।